मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो है हिंदी वाले पोर्शन को तो बता दिया, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो है फर्स्ट पेपर के लिए क्या क्या पढ़े, मतलब उसी के अलावा कुछ नहीं पढ़े। तो मित्रों मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके मैं आया हूँ। और मैंने देखा यार अपन ने क्या क्या पढ़ा था, और उसके अलावा जो मैंने पढ़ा और कहाँ से और क्या पढ़ा जा सकता है, तो इन थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा आया हूँ। देखेगा एक एक बात मैं आप लोगों के सामने बहुत क्लियरिटी के साथ करूँगा। साथियों इनके अलावा आप कहीं से कुछ भी मत पढ़िए। देखो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड पेपर के लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदी का ही टीचर हूँ, बात में आपको बता दूं। तो पहले पेपर में मैंने हिंदी व्याख्याता के लिए क्या पढ़ा था, अभी जो है देखो सबसे मुख्य बात है कि सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। बहुत सारी बुक्स मिलती है मार्केट के अंदर, वहां से आप लेकर के आ सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें होते हैं, व्याख्या के साथ उनके आंसर दिए हुए होते हैं। तो बच्चों क्या है कि आप लोग जब उनको देखोगे ना, जब उनको समझोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहले तो सिलेबस को ढंग से देखिए, उसके बाद में सिलेबस को ढंग से देखने के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर ढंग से देखिए और सोचिए। देखो मुझे आलतू फालतू बात करना मुझे यह पसंद भी नहीं है, जो मैंने किया है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं बुक लिस्ट पर। तो सबसे पहले जो बात करूंगा, सिलेबस हो गया, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए। नंबर टू पे बात करूंगा, आपके पास कोई गाइड होनी चाहिए। देखिए मैंने दो गाइड देखी थी, पेनोरमा और लक्ष्य। तो मुझे वहां पर लक्ष्य की गाइड पसंद आई, मुझे पेनोरमा की गाइड भी पसंद नहीं आई थी। लक्ष्य के उस समय तो एक ही भाग आया था, लेकिन अभी लक्ष्य के दो भाग आते हैं। जो पहला पेपर है उसके लिए दो भाग लक्ष्य के निकलते हैं, मुझे देखो सही लगी। उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है, आप उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दें, उनको काट दें कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको नहीं पढ़े आप, ठीक है। तो लक्ष्य के फर्स्ट पेपर की मैं बुक लेके आया था, अभी दो उसके भाग आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़े। एक और बुक में लेकर के आया था साथियों, नंबर टू पे बात करता हूँ आपसे, ये सिकवाल की जो है राजस्थान मानचित्रावली। इस बुक को मैंने कम से कम चार बार पढ़ा था, कम से कम चार बार पढ़ा ढंग से, मतलब ऐसा रगड़ दिया उस बुक को। अगर मैं दिखाऊं तो आप यूँ कहोगे कि सर यार ये जैसे चूहे खाते हैं इसे खा गए, मतलब इतनी बुरी दशा से मैंने उसको पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में लक्ष्य की बुक के पेज जो है वो जितनी थी तो इतनी मोटी हो गई, मतलब इतना पढ़ा उसमें से, और उसमें से मेन जो चीज़ें थी वो निकल करके मैंने बाहर निकाल के वो लिख ली है और उसी को बार बार रिवाइज किया था, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर आपने इतिहास जो कला संस्कृति है राजस्थान की, वो कहाँ से क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, हर कोई आपको यही बताता है कि सर जो पवन भवरिया सर हैं, उनकी जो बुक आती है हिस्ट्री की, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति भारत राजस्थान की, पवन जो भवरिया सर हैं, उस बुक को देखो मैंने तो इतना नहीं पढ़ा। मैं तो सिंपल बात बताऊं, मैंने तो इसी को पढ़ा था भैया, लक्ष्य की गाइड को, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं इतना पढ़ भी नहीं पाया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, अच्छी बुक आती है, आप हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री का मैटर वहां से तैयार कर सकते हो। एक और चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, आप उसे भी साथ में पढ़िए। जो पवन भवरिया सर हैं उनके एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है इसी की, इतिहास की, तो उसको भी जरूर साथ में लेकर के आइए। और अगर आप चाहो कि मुझे अब ये पढ़ने के बाद में मुझे और ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो लूसेंट वाली जो है वो भी बुक आती है, लेकिन आप इतने जंजाल में मत पढ़िए साथियों। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, लक्ष्य के आपके पास गाइड है और पवन जो भवरिया सर हैं, पवन भवरिया सर, उनकी हिस्ट्री की बुक ले लीजिए और इनके एक ऑब्जेक्टिव की बुक भी आप ले लीजिए। इसके बाद में बात करेंगे शैक्षणिक जो प्रबंध और जो प्रशासन है उसके बारे में बात करेंगे साथियों। पहले जो SS यादव की बुक आती थी वो आती थी साथियों राट पब्लिकेशन से, और अभी ये बुक आती है कलाम पब्लिकेशन से। तो आप एक तो ये ले लीजिए, और एक मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो राट पब्लिकेशन से आती है, अगर वो बुक मिल जाती है आपको ऑब्जेक्टिव वाली, स्कूल मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव वाली अगर बुक मिल जाती है, तो वो व्याख्या के साथ दी हुई है वो बुक, तो बहुत बढ़िया बुक थी, बहुत बढ़िया,
मजा आ गया था उस बुक को जब मैंने पढ़ा। मतलब अधिकतर क्वेश्चन उसी से आ गए थे। और मैं बता दूं आपको, इसमें जो राइटर थे अजय जकराना और SS यादव। तो SS यादव सर की जो अभी कलाम पब्लिकेशन से आती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से बुक आती है, तो आप ये ले लीजिए साथियों। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हिंदी के लिए आ जाती है, जो चार पांच क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी ग्रामर के लिए देखो, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनके तो हिंदी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जिनके हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो नवीन हिंदी व्याकरण आती है, मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने पुरानी वाली पढ़ी थी। नवीन हिंदी व्याकरण थी, 9 से लेकर के 12वीं तक की जो बुक है। और उसके अलावा एक व्यवहारिक व्याकरण आती है राघव प्रकाश की। तो राघव प्रकाश सर की जो व्याकरण है वो मैंने पढ़ी थी, इसके अलावा मैंने हिंदी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। इसके बाद में साथियों, एक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने मानस पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, जो हिंदी व्याकरण की थी। ये मैंने काम किया था, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं किया। अब इंग्लिश वाली बात आ जाती है, तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, जो वो आती है ना एक्सलेंट वाली पासबुक इंग्लिश के अंदर, वो मैंने पढ़ी है भाई। और मतलब आप नहीं मानोगे बच्चों, कि इंग्लिश में वो जो पासबुक है 9th और 10th की इंग्लिश की ग्रामर वाली जो जो उसमें दी हुई है, उसमें से वैसे के वैसे सेंटेंस मिल गए थे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं यार, वैसे के वैसे सेंटेंस, और वही ऑप्शन भरना। 9th और 10th की जो पासबुक आती है इंग्लिश की, पुरानी ले लो यार, नहीं लेने की कहां जरूरत आ रही है। एक्सलेंट वाली ली थी पर मैंने, ठीक है ना। और इसके बाद में मैथमेटिक्स के लिए बात करते हैं, तो 9th और 10th की मैथमेटिक्स में देखो, मेरी गणित इतनी अच्छी नहीं थी, मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो 9th 10th की पासबुक मैंने इसकी भी पासबुक ही ली थी। तो वहां से क्वेश्चन किए और आंसर भी वहीं देख लेता था। तो मैंने 4-5 बार बढ़िया प्रैक्टिस कर ली थी, जो मुझे टॉपिक जो करने थे, यार ये टॉपिक ही मेरे समझ में आते हैं, और उन्हीं टॉपिक को मैंने पढ़ लिया। तो इसी तरह से मैंने ये क्या नाम है हिंदी पढ़ी, और इसी तरह से मैंने इंग्लिश पढ़ी, और इसी तरह से मैथ पढ़ी। तो हिंदी तो वो 9th और 10th से जो 12th तक की बुक आती है नवीन हिंदी व्याकरण, वो पढ़ लिया था। मैथ में 9th और 10th की जो एक्सीलेंट वाली जो पासबुक आती है मैथमेटिक्स की, वो पढ़ी। मतलब उसमें जो जो टॉपिक दिए हैं वो टॉपिक निकाल करके 9th 10th की वो टॉपिक पढ़ लिए थे। अब इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया, 9th 10th की पासबुक इंग्लिश की लेकर के आया था, ग्रामर के टॉपिक वहां से मैंने कंप्लीट किए थे। इसके बाद में बंदों मैं आपको बता दूं, देखो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मुझे बहुत हेल्प मिली, और मैंने वैसे ही क्वेश्चन को खोजने की, वैसे ही क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी थी, ताकि उससे क्या है थोड़ा सा फायदा हो जाता है। अब रीजनिंग की बात पूछेंगे आप लोग, मुझे पता है कि सर रीजनिंग कहाँ से करी, मैं तो आपने वहां से कर ली, रीजनिंग कहाँ से करी। तो रीजनिंग में मुझे तो देखो, मैं आपको बता दूं, दिल से बता रहा हूं, मैं रामनिवास माथुरिया सर की बुक है जो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं, एक सिकवाल की भी बुक आती है। आप देखो रामनिवास माथुरिया, सिकवाल की जो रीजनिंग की बुक है, और एक है साथियों जो RBD पब्लिकेशन से आती है रीजनिंग की, इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। लेकिन मेरे को तो रीजनिंग में, अगर ज्यादा आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो रामनिवास माथुरिया सर की बुक ले लीजिए। अगर आपको अच्छे मतलब कुछ क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन राइट हो जाए, 3 क्वेश्चन राइट हो जाए, तो सिकवाल वाली पब्लिकेशन वाली बुक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर मित्रों बात करते हैं साइंस की। देखो मैं आपको बता दूं, साइंस में और मैथ में और इंग्लिश में, इन तीनों में ही मैंने 9th और 10th की पास बुकें ही पढ़ी है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं यार, और वो भी एक्सलेंट वाली पासबुक पढ़ी है। मैं आपसे ज्यादा लल्ले पत्ते लगाने नहीं आया हूं, मुझे पता है आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट प्रेजेंट टाइम कोई भी नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये करो वो करो, अरे यार सबकी स्थिति अलग अलग होती है भाई, किसी के वीडियो देख करके आप वैसे करने की कोशिश मत करो। साथियों जो मैंने बताया है, मैं भी एक मीडियम ही क्लास फैमिली से हूं, और बहुत ही लो फैमिली से रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आया हूं, और आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नहीं करते, कोचिंग नहीं कर सकते भाई, इतने पैसे नहीं है, 2-2 लाख रुपए कहाँ से देंगे यार। साथियों मैं आपको बता रहा हूं, इनके अलावा कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट हिंदी से हैं, जो स्टूडेंट हिंदी से हैं, उसके लिए तो मैं बहुत चैलेंजेस करता हूं साथियों। मेरे इस चैनल पर हिंदी का पूरा कोर्स, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का मैं पूरा करवाऊंगा,
ठीक है। और अभी हिंदी साहित्य का इतिहास में मैंने जो नोट्स बनाकर के जो मैंने पढ़े हैं उनसे मैं पढ़ा रहा हूं साथियों। तो आप चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और साथियों अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी दम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आपका प्यार और आपका जो मोटिवेशन आपसे ही मुझे मिलेगा। और अभी मैंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास चला रखा है, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ मित्रों। आप देख लेना, मेरे पास कोई बड़े बड़े तामझाम टीवी पैनल ऐसे कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों के भरोसे ही मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रात को 2-2 बजे भी मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बहुत बढ़िया तरीके से आप देखिए। एक एक वीडियो हैंड रिटन नोट्स के नाम से आदिकाल की वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अभी भक्ति काल की हैंड रिटन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। भक्ति काल अभी शुरू किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग की मैंने आप लोगों को बता दिया, तो रीजनिंग राम निवास माथुरिया, और एक आती है यूएस शेखावत जो आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, और एक सिकवाल की आती है। तीनों में से कोई से भी ले लेना हो जाएगा काम। जनरल साइंस में मैंने आपको बता दिया, 9th और 10th की पासबुक एक्सपेक्ट पढ़ी है भैया। मैथ में मैंने बता दिया, साइंस में बता दिया, और इंग्लिश में बता दिया। इस देखो मैं बहुत सारी नेतागिरी मुझे नहीं आती है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ यार, सिंपल सी बात करता हूँ। और आज 45 साल का और 40 साल का और 35 साल का 25 साल का हर कोई ये सोचता है मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, बेचारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट है यार, पॉइंटों से रह गए, एक एक नंबर दो दो नंबर से रह गए, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी आप तो खुद तो सोचो। क्या मैं उनको क्या ज्ञान झाड़ू यार कि तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो? नहीं, मैं उनको ज्ञान नहीं झाड़ सकता भाई। वो पॉइंट से रहना और ये एक एक दो दो नंबर से ना, ये किस्मत की बातें हैं। एक दो क्वेश्चन राइट हो जाता सिलेक्शन। ये आसान काम है कहना कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। अरे वो जो पढ़ता है ना वो जानता है, उसकी मेहनत जानती है, वो कैसे टाइम निकाल करके पढ़ता है। हाँ, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता भाई। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, पॉलिटिकल्स के लिए जो है, पॉलिटिकल्स के लिए देखो आपको बता दूं, मैं राहुल चौधरी सर की बुक लेके आया था, यही पढ़ी मैंने पॉलिटिकल्स, और एक जो लक्ष्य की गाइड लेके आया था उसमें से पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा पॉलिटिकल्स में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने व्याख्या के साथ पढ़े थे, और इसके अलावा पॉलिटिकल्स में से एक वर्ड भी कहीं से नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। और अब करंट की बात अगर मैं करूं आपसे, तो करंट के लिए मैंने क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है और मूमल आती है, क्रोनोलॉजी मंथली पढ़ी और मूमल 2 महीने वाली पढ़ी है, और 6 से 7 महीने के आसपास की करंट मैंने पढ़ी थी। 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए थे। और एक नाथ पब्लिकेशन से करंट की बुक आती है विनोद स्वामी की, बहुत अच्छी बुक थी। तो ये यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो करंट को तैयार आसानी से, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया जो राजस्थान की मानचित्रावली है वो सिकवाल पब्लिकेशन की आती है, उसको आप वहां से तैयार कर लीजिए। तो साथियों इस तरह से जो है फर्स्ट पेपर मैंने अच्छे से तैयार किया, और बढ़िया तरीके से मेरे वहां पर मार्क्स आ गए थे साथियों। ज्यादा मार्क्स भी नहीं थे, मैं आपको बता देता हूँ। उस समय 40% का कोई रेशो नहीं था, ठीक है, 40% वाला कोई मैटर भी नहीं था, लेकिन मार्क्स अच्छे थे मेरे। 50 मेरे 75 क्वेश्चन में से 51 क्वेश्चन के आसपास राइट हो गए थे उस समय, ठीक है। तो ये बढ़िया बात है, और आप लोग भी पढ़िए मस्ती के साथ। अगर कोई मेरे से गाइड आपको करना है या पूछना है, जो भी आपको मेरे से पूछना है आप कमेंट जरूर कीजिए साथियों। और मैंने अगर आपको सही गाइड किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, DSSB में PGT और TGT की तैयारी करने वाले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत बढ़िया तरीके से, आप एक बार पढ़ के देखिए उन वीडियो को देखिए, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मत कीजिए साथियों। बाकी आपकी इच्छा है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप, ठीक है साथियों। अगर कुछ बातें अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।